के साथ दोबारा अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। पौने तीन एक अवामी प्रोग्राम है, अवामी मसाइल पे हम इसमें रोशनी डालते। आजकल नौजवान ठीक सुनते, सिर्फ कैसेट सुनते अपनी मर्जी के, मतलब शौकिया गाने वाले, बिला वजह गाने वाले, उनके कैसेट आसमान से गिर के खजूर में अटक रहे मगर वो गाना नहीं छोड़ रहे। कव्वाली में हमारे यहाँ बाहर का बैंड आ गया है, कव्वाली बदल गई। इन्हीं संजीदा मामलात पर रोशनी डालने के लिए आज हमने चंद मेहमान को बुलाया है। पौने तीन के पहले मेहमान हैं एक उस्ताद जी। 50 बरस से आप उस्ताद जी कहलाते हैं मगर हैरत की बात है, न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, न किसी से मिलते हैं न किसी से जुलते हैं, उसके बावजूद भी उस्ताद जी कहलाए जाते। मगर सुना मैंने ये है कि गजब की नॉलेज है आपकी म्यूजिक के बारे में। हमारी खुशनसीबी कि पौने तीन में आने के लिए तैयार हो गए, तशरीफ ला रहे हैं उस्ताद जी। जहां आप जा रहे थे उससे आगे नौजवान गुलूकारों का है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी जी, इतनी करीब से आपने नहीं सुना। अस्सलाम वालेकुम। जरा पीए आ जाए। क्या आ जाए? पीए, पान लेने गया। आपका पीए? हाँ जी। आपका पीए पान लेने गया है? हाँ। आप उस्ताद जी हैं ना? हाँ जी। उस्ताद जी चले वो ले आएगा पान, जब तक हम बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत शुरू करते हैं। ये जितने बैठे हैं ये आराम से बैठे हैं, मैं भी आराम से बैठा हूँ, तुझे जल्दी है। उस्ताद जी है कि ये टेलीविजन का प्रोग्रेस की रिकॉर्डिंग है और मेरे और मेहमान भी हैं अंदर बैठे हुए हैं। हाँ जी, किस जुर्म में? नहीं तो मैं उनको भी बुलाना है मुझे। अच्छा, पहले उनको बुला लो, मेरा तो पी आएगा तो मैं बात करूंगा। उस्ताद जी आप कुछ समझ नहीं रहे, इस मैदान में कब से हैं आप? पी आ जाए। उस्ताद जी ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आता ही होगा। आ गया। आप जी प्लीज ऊपर बैठे। मौसीकी का अंजाम है उसको वहीं रहने दो। आप ऊपर बैठे जी प्लीज। बैठे जी ऊपर बैठे। ये उस्ताद जी की सांस रुक जाएगी। हाँ। ये दायमी दमेकार हैं, बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको उस्ताद पे बैठने को नहीं कह रहा, कुर्सी पे बैठे आप। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जी। और जरा सी कुर्सी अपने करीब करें जी। जी उस्ताद जी। हाँ। यहाँ के पान का तो मजा ही अलग है। हाँ जी चखा। अनवर भाई जी गर्मी बहुत है भाई। नहीं एसी चल रहा है। इधर एसी चल रहा है जी। हमारे यहाँ पर एसी डीसी कमिश्नर सब चल रहे हैं। चल तो रहे हैं मगर वो हवा के रुख पे ड्यूटी देते हैं, कभी इधर चल रहे हैं तो कभी इधर चल रहे हैं। उस्ताद जी मैंने आपको मौसीकी पर बात करने के लिए बुलाया है, प्लीज। तो पहले मौसीकी के बारे में तो बताओ इनको।
फिर पूछो, मर जाओगे जवाब नहीं मिलने का। क्या कहा तूने? आपके जद्दे के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा। उस्ताद अमजद अली खान। आपके जद्दे अमजद अली खान थे? हाँ हाँ। क्या करते थे? वो बहरवी में औंधे खर्राटे लेते थे। मैं जरा इनसे बात कर लूं प्लीज। हाँ हाँ। प्लीज। हाँ हाँ। एक तो मैंने आपको बुलाया नहीं, टेलीविजन पूरा खानदान एक साथ बैठ के देखता है, आप दोनों ऐसे ना बैठे, टांगे नीचे करें। अच्छा, 50 साल हो गए आपको मुसीकी के मैदान में। हाँ जी। बताइए कि हमारे यहाँ मुसीकी का मुस्तकबिल क्या है? वही हाल है जो मेरा है, यानी पतला। आपने 50 बरस कैसे गुजारे? मुझसे सुट्टे मांग मांग के। तिरकत धा तिरकत धा तिरकत धा। नहीं मेरे ख्याल में मोहसिन साहब पैक करें। रिकॉर्डिंग हो गई? हो गई, पैक करें। चलो भाई। जो तरीका है, आपसे मैंने बात किया है कि लोग बैठे हुए, म्यूजिक पे बात करना है। लोग कहाँ बैठे? अच्छा बैठे हो उस्ताद जी, आराम से भाई। ओ टीवी है। अपने घराने के बारे में बताएंगे? मेरा घराना बहुत बड़ा था, 11 भाई, 8 बहनें, 5 माएं। वालद साहब थे दुरपति। हाँ हाँ। औरतें उस जमाने में जिस पति को धुर कर देती थी उसको धुरपति कहते थे। धुरपति तो एक तरह की गायकी होती है। प्लीज ये बताएं, आप गाते हैं या साज बजाते हैं? ये सिर्फ कीना साज प्लेयर हैं। गया ठीक। अब पूछो क्या पूछना है। मैं मुसीकी के बारे में पूछ रहा था। क्यों उस्ताद जी? प्रोग्राम मुसीकी पर है। मौजू बदल देते हैं, बजट पे बात कर लेते हैं। सुना है हारमोनियम पे से ड्यूटी कम हो गई है। किस पे से? हारमोनियम पे से ड्यूटी कम हो गई है। ढोलकी पे 80% बढ़ा दी है और 13 cc घुंघरू पे 140% ड्यूटी लगा दी है। फिर तो बुहरान मुजरा हो सकता है। तीन एक संजीदा प्रोग्राम है। था कभी। 3:45 में हम अवामी मसाइल पे रोशनी डालते हैं। अच्छा। और उनकी तलाश करते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पे तो चिपक के पास बैठे, उनसे दूर बैठे आप। असल में अनवर भाई बात यह है कि हम दोनों सरगम हैं, उस्ताद जी मेरे सर और मैं इनकी गम, तो गम तो चिपकेगी। देखिए इस तरह के लफ्ज नहीं बोले आप प्लीज। अच्छा जी। ये टेलीविजन की रिकॉर्डिंग। अच्छा जी। अच्छा, आपके खानदान के बारे में मैं पूछ रहा था, मैंने सवाल किया था आपके खानदान के बारे में। बस शादी ना होने की वजह बस यही एक सवाल है भाई। मैं क्यों बताऊं अपने घराने के बारे में? मेरे बाप ने इतनी मुश्किलों से घराना बनाया, मैं उसकी पोल खोल लूं? आप मेरी समझ में नहीं आ रहे उस्ताद जी, प्लीज। आपकी समझ में नहीं आ रहे, 10 मिनट हुए आपकी मुलाकात हुए हुए, 25 साल से साथ हूं, मेरे पल्ले नहीं पड़े अभी तक। ये बात यह है कि हमारा खानदान मुसीकी के दूसरे खानदानों से बहुत मुख्तलिफ है। ना हम कोई सास को हाथ लगाते हैं और ना ही हम गाना गाते हैं, हम खाली एतराज करते हैं। हाँ जी, हमारे बड़े खान साहब एतराज अली खान को तो आप जानते होंगे। और एतराज अली खान और हमारी जो नानी थी नुक्ता चीना, हाय हाय, बस उनसे ये सारा कुछ चल रहा है। हाँ जी। मगर सास को हाथ क्यों नहीं लगाते आप? भाई हाथ लगा दिया तो बजाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको
समझाता हूँ पौने तीन साहब। मेरा नाम पौने तीन साहब नहीं है, प्रोग्राम का नाम पौने तीन है। हम मौसीकी के बारे में बहुत जानते हैं, है कि नहीं? हाँ। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि बंबई में जद्दन भाई के फ्लैट के ऊपर कौन आदमी रहता था। बंबई में जद्दन भाई के फ्लैट के ऊपर इसका मौसीकी से क्या ताल्लुक? जद्दन भाई का तो है जी। हाँ जी, अब छोड़ें प्लीज, आप डिटेल हाँ। में मत जाएं। हाँ जी। अब बात यह है कि आप पाकिस्तान में जो मौसीकी है हाँ। उस पर बात करें कि आपको यहाँ कौन पसंद है। बड़े बड़े खान साहब यहाँ गाना गा रहे हैं और बहुत उमदा गा रहे हैं। कौन से खान साहब पसंद है? जी मुझे रहीम यार खान बहुत पसंद है। रहीम यार खान ये फोक हैं या क्लासिकल गाते हैं, क्या है? किन जाहिलों के प्रोग्राम में ले आया है? और भाई वो रहीम यार खान पंजाब का पहला शहर है। मैं शहर रहीम यार खान की बात कर रहा हूँ। उस्ताद जी प्रोग्राम मौसीकी पर है। अच्छा यार, मौसीकी पे है? मौसीकी का मौसीकी मर गई, मौसीकी मर गई, मौसीकी खत्म हो गई। 15 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ किसी और मौजू पे बात करें। मौसीकी फौत हो गई, फौत हो गई, फौत हो गई, मौसीकी फौत हो गई। क्रिकेटदा क्रिकेटदा क्रिकेटदा। बात सुनी या तो छाली आप पूरी निकाल दें या आप जोर से बात ना करें। मौसीकी फौत हो गई। छालियां मैं सारी निकल चुका हूँ, ये ग्रीस की वजह से बाहर आ रही है। हाँ जी। कैसे मर गई मौसीकी? बस कैसी अच्छी थी मौसीकी, कैसी अच्छी थी। तेज रफ्तार कारों के नीचे आके मर गई। तेज रफ्तार कारों के नीचे आके मर गई, क्या मतलब? गुलू कहना भूल गया था, तेज रफ्तार गुलू कारों के नीचे आके मर गई। मौसीकी नायुक थी, उस पर ना हिलने वाले तंदुरुस्त बैठ गए, उसकी सांस रुक गई। उस पर बेसुरे कूदने लगे, उसकी फसलियां टूट गई। और ये फूले फूले कव्वाल उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और आखिर में फिल्मी गानों ने इसको शर्म से पानी पानी कर दिया। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की, पानी पानी कर गई। मौसीकी बाजी अपने पीछे 10,000 सोगवार और तकरीबन 1,000 नागवार छोड़ गई। उस्ताद जी आप हिम्मत हार गए ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे सीने में क्या भरा हुआ है। मैं आज सब कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे सीने में बहुत कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है उस्ताद जी? खुश्क खांसी का स्टॉक। बकवास न करो यार, फजूल में जिधर ना करना होता है वहां पे भी करता है। लांटी मारा खातिन हजरात। पौने तीन उठ गया, खैरियत है? हमने कोई मेरा नाम प्रोग्राम का नाम पौने तीन है, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। तुमने क्या बताया था कि हमको पौने तीन ने बुलाया, अनवर मकसूद में जाना है। मेरे अगले मेहमान हैं एक मशहूर ग्रुप के लीड सिंगर हैं, हाल ही में अमेरिका का कामयाब दौरा करके पाकिस्तान वापस लौटे। आपके कैसेट्स इस वक्त मार्केट में तरकारियों की तरह बिक रहे हैं। ख्वातीन हज़रात पौने तीन के अगले मेहमान मशहूर ग्रुप के लीड सिंगर आई मीन
बैठ गया? हाँ बैठा भाई लग रहा है। अब उठ जाओ। अच्छा जी भाई, आओ आप लोग कहाँ जा रहे हैं जी? ये मुसीकी पे सवाल तो नहीं करेगा? नहीं नहीं, आप बैठ जाओ। अगर राग गलौज सुनना चाहते हैं तो उस्ताद जी को यहीं बैठा रहने दें। राग गलौज जी, आप तशरीफ रखें जी प्लीज। देखिए अनवर भाई, हम लोग सिर्फ शक्ल से मार खा जाते हैं, वरना मैं उस्ताद जी, भाई शफीक और मुश्ताक भाई अपना एक ग्रुप बना लें, फोरचर। फोरचर क्या मतलब? अब फोरचर सी कहता तो पाबंदी लग जाती। प्लीज। अच्छा थोड़ी देर के लिए उस्ताद जी, आपका अमेरिका का दौरा कैसे गया? अच्छा ये ऐनक उतार दें प्लीज, टीवी की रिकॉर्डिंग है। इसको भी उतरवा के देखो क्या है। और एक चीज प्लीज, अमेरिका का दौरा कैसा गया आपका मियां? इट वाज वेरी सक्सेसफुल जी, टोटल हिट था। 12 शोज करवाए थे जिसमें से 11 चैरिटी शोज थे। 12 से 12 चैरिटी के कर लेते आकबत तो समझ जाती। आकबत? वाइफ आफ्टर डेथ। वाइफ नहीं, लाइफ आफ्टर डेथ। ये अंदर का पढ़ा लिखा है भाई। ये बताएं गाना आपने किससे सीखा मियां? मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ कि इन्होंने गाना किससे। मैं उनसे पूछ रहा हूँ। मैं जवाब मैं दूंगा, उस्ताद मैं हूँ, जवाब मैं दूंगा। इन्होंने गाना डीजल के बड़े जनरेटर से सीखा। ओ इतना ही शोर करता है कमबख्त, सिवाय घर इसके अलावा कोई आवाज ही नहीं सुनाई देती है। ये कौन है जी? आप जी मौसीकी के उस्ताद हैं। हाँ जी, 50 साल से आप उस्ताद जी कहलाते हैं, नई और मॉडर्न मौसीकी के दुश्मन। ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। वैसे अनवर साहब, लोग इतने जल्दी बदनाम नहीं होते जितने जल्दी हमें शोहरत मिली है, और ये शोहरत हमारे लिए वाइटल है। और तू बेचता क्या है भाई? इश्तहार में तो बोतलें बेच रहा है। The times they are changing. जमाना बदल रहा है ओल्ड मैन। ओए किस जबान में प्रोग्राम हो रहा है भाई? ओ भाई पौने तीन साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा है प्रोग्राम का नाम है पौने तीन। इस उम्र में याददाश्त खराब हो जाती है जी। वैसे इंसान को जमाने के साथ बदलना चाहिए। बेटा आप तजुर्बा तो कर सकते हैं मगर मौसीकी को बिल्कुल नहीं बदल सकते। बात यह है फैयाज अली खां, गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां साहब, बहुत बड़े बड़े गाने दिए, बहुत बड़े हैं मौसीकी। ये कौन सा ग्रुप है जी? हांस, हांस ग्रुप। फ्लॉप हो गया। बात यह है मियां कि ये चार बहुत बड़े नाम हैं मौसीकी के। और बुलाओ, और बुलाओ लौंडे लपाड़ों को। कह रहे हैं कौन सा ग्रुप है? तो जी आप बताइए फ्रैंक सिनाट्रा कौन है? सवाल ही गलत है, कोई सेनेटर फ्रैंक नहीं होता। मैं फ्रैंक सेनेटर को नहीं, फ्रैंक सिनाट्रा को पूछ रहा हूँ। बेटे इन लोगों को क्या मालूम, अपनी बात करें मियां जरा। जी हम लोगों के कैसेट्स जो हैं वो लाखों की तादाद में बिकते हैं, कैसेट्स की सेल्स में हम लीडर्स हैं। कहते हैं कैसेट की सेल में हम लीडर हैं, कैसेट न हुए सियासी लीडर हो गए। हम बताओ बेस्ट ऑफ बेसुरा वॉल्यूम 13, बेस्ट ऑफ बेसुरी वॉल्यूम 29, और इनके खानदानों के नाम देखो कैसे हैं। इनके खानदानों के नाम ऐसे हैं स्ट्रिंगे, हैं जी वाइटल सिंगे, 12 में से 4 गा रहे हैं, और तो और वो दूसरे बना रहे हैं। अजीबो गरीब ना है खानदान के इनके, बे आवाजे और पता नहीं क्या क्या। ये खानदानों के नहीं है, घरानों के नाम नहीं है, ये बैंड्स हैं, बैंड्स के नाम है। तो इन बैंडों को बैंड कराओ।
आप खुद कौन है, क्या है आप? अजा अपने बाप को भेज। अपनी उम्र देखो, मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ। जरा सी शक्ल मामूली होती ना तो देखता तू टीवी पे क्या शकाता। और आपकी शक्ल थोड़ी माकूल होती तो शायद रेडियो पे चांस मिल जाता। ओ किस बात का है, किस बात का? अरे आप बड़ी फजूल बातें कर रहा भाई तुम। एक बात बताओ, तुझसे पूछ रहे हूँ जी, तूने तालीम कहाँ से हासिल की है? अमेरिकन स्कूल से। मुसीकी की तालीम अमेरिकन स्कूल से? खान साहब बुश बगदाद नवाज बम वाले से। ये क्या नाम ले रहे हैं आप, क्या कहा आपने? खान साहब बुश बगदाद नवाज बम वाले। गाने से पहले वो क्लीन दो टन दूध पीते थे। तालीम की बात कर रहे थे मियां, प्लीज। जी, अमेरिकन स्कूल से तालीम हासिल की। कुछ मौसीकी का शौक था, वालदेन से कहा कि मेरे लिए उस्ताद रख दें। तो चार उस्ताद रखे। उसे कौन चखे? जी आप कौन है? मैं इनका तानपुरा हूँ, ये मुझे छेड़ते रहते हैं। बेटे सुर में नहीं है, दूसरे काले से मिला। खैर मैं कसता हूँ। या तो तेरा मुंह खराब है या तारे पुरानी हैं। आप कह रहे थे उस्तादों के बारे में जी, चार उस्ताद रखे। चार उस्ताद तो रखे। क्या हुआ फिर उनके साथ? और वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, नौजवान जिसका बैंड बजाने लगे। बताओ, चार पैसे वाले बाप के खुश शक्ल बेसुरे लौंडे मिल गए, पाप ग्रुप तैयार हैं जी। तीन दुबली पतली लड़कियां मिल गई, टॉप ग्रुप तैयार। दो काहल और तंदुरुस्त भाई मिल गए, क्लासिकल ग्रुप तैयार। एक तंदुरुस्त और बारह करने वाले मिल गए, कव्वाली ग्रुप तैयार। तो इन सारी चीजों ने तो मिलके कर दिया है मौसीकी का त्रिकट धा त्रिकट धा त्रिकट। उस्ताद जी मैं मार दूं, बहुत लग रही है। उस्ताद जी, हाँ बेटे, वो कौन सा गाना था जिसे सुनकर मोहल्ले वाले आपको पागलों के डॉक्टर के पास ले गए थे? अच्छा वो था, लाल लाल घोड़ा तेरा भागा मैंने पकड़ा, लाल लाल घोड़ा तेरा भागा मैंने। ये बिक रहा है आजकल मार्केट में। और एक वो सिंगर है जालमगीर। जालमगीर नहीं, आलमगीर नाम है। हाँ वही आलमगीर। बताओ पूरा गाना पब्लिक पार्क में लोट लोट के सुना रहा है। ओ भाई, ओ मेरे भाई, अगर तुझे पेट का कोई आर्जा है तो तू डॉक्टर को दिखा, फिर रिकॉर्डिंग करा। देखा ना था एक लोट, कभी हमने ये समा दूसरी लोट, तेरे प्यार ने दिया 12 कलाबाजियां। ये पब्लिक डिमांड है इसीलिए वो लोटा। ओ मौसीकी के लोटे चुपका बैठा रहे। अवाम जो चाहते हैं वो हो रहा है। मेरी जान, अवाम जो चाह रहे हैं वो सिर्फ मौसीकी में क्यों हो रहा है? मुझे कीबोर्ड बजाना आता है। आता होगा। मुझे सितार बजाना आता है। मुझे गिटार बजाना आता है। मैं पियानो बजाता हूँ, मैं म्यूजिक लिख सकता हूँ। आपको क्या आता है? सिर्फ आता है याद इनको गुजरा हुआ जमाना। और कुछ नहीं आता इनको। बताओ, इधर देखो, नीम नंगे को देखो, पतलून में से घुटना निकला हुआ है,
चश्मे की जगह ठन्नियां लगाई हुई हैं, अजीब अजीब तरह का बाल है खिचड़ी किस्म के, और साथ में आलात हाजरा। आलात हाजरा? हाँ जी, जदीद मौसीकी के आलात, बेसुरे बेताले बेतालाबे मेंढक रंगीन बत्तियों में फुदकते फिरते हैं, फुदकते फिरते। आप दो मिनट फुदक के दिखा दीजिए, बेड़ा गरक नहीं हो जाए तो फिर बताइएगा। दरबारी में फुदका नहीं जाता। हमारे जमाने में जिसका सुर ऊंचा होता था उसकी गर्दन हमेशा नीची रहती थी, इस जमाने में जिसका सुर घुटने में उसकी गर्दन ऊंची। बेसुरे नंबर वन गवैये बन गए हैं। इस साल बजट में बेसुरों पर अगर टैक्स लगा दिया जाता तो पाकिस्तानी बजट का जितना खसारा है ये बेसुरे पूरा कर देते। वैसे एक आदमी ऐसा नहीं है जो सुर में गाता हो। देखें जी, जो असली सच्चे उस्ताद होते हैं उनकी मैं इज्जत करता हूँ, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अतरे, मास्टर इनायत, फतेह अली खान। आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि मैं आपकी इज्जत करूं? पता नहीं कौन जाहिल आपको उस्ताद मानता है। मैं और सिर्फ मैं, क्योंकि ये बहुत जानते हैं जिसका इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफल्ला, चुप रह भी नहीं सकते। तुझसे तो मैं बात करूंगा। ओए, हारमोनियम बजाना आता है उस्ताद जी? हाँ। वो तो आपको भी नहीं आता। तो बेटे सवाल पूछने में क्या हर्ज है? उसको आता है जो 18 साल से पूछ रहा है। कौन? तारक अजीज। आपको हारमोनियम कैसा लगता है जी? जी, हारमोनियम को तो मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं समझता। अच्छा, फिर क्या उसको अपना मामू जाए भाई समझते हो? इजाजत हो तो इस बहस में मैं एक खातून को शामिल कर लूं। पूरी गुफ्तगू में पहली सुरीली बात की है। आप अपनी उम्र देखिए। मंगाए 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 नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है उस्ताद। हाँ जी, करें। पौने तीन गुस्से में। ख्वातीन हज़रात, की मेहमान बहुत मशहूर गुलूकारा, नई आवाज है मगर कैसेट पुराने हो चुके हैं, बिक गए बहुत, 15 वॉल्यूम आपके मार्केट में आ गए हैं। शादी हो आपके कैसेट, सियासी फंक्शन हो आपके कैसेट, और तलाक हो आपके कैसेट, हर फंक्शन के लिए आपके कैसेट जरूरी हैं। पौने तीन की मेहमान गुलूकारा। आप इधर आ जाइए। आइए आपके किसी आइंदा किसी पौने तीन और सवा चार में मुझे न बुलवाना। बताओ किन लोगों के साथ मुझे बैठना पड़ रहा है। मुबारक जी, आपका नया भी हिट हो गया। क्या स्कैंडल? उस्ताद जी, मैं कैसेट की बात कर रहा हूँ। मेरी जहानत देखो, स्कैंडल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, हिट नहीं, सुपर हिट, डुपर हिट, कुपर हिट, पॉपर हिट, यू नो। आप गाना कब से गा रहे हैं? जब से आप नाच रहे हैं। इतना अच्छा डांस करते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं कि रिदम को भी पीछे छोड़ देते हैं। रिदम आगे आगे, आप पीछे पीछे। बेबी, आप बताएं कि आपके घर में आपके अलावा भी कोई गाता है और? जी हाँ, मेरे डैडी, मेरी मम्मी, माय सिस्टर, माय ब्रदर, हम सब के सब गाते हैं, यू नो। अच्छा, रेस कोरस फैमिली है।
मोरस फैमिली रेस क्यों लगा दिया आपने? और जी हंकारने की वजह से रेस कह दिया। ये गाना नहीं हंकारना है, हंकारना, हंकार नाथ ठुकरानी। गाना सीख रही हो? जी हाँ, एक उस्ताद रखे, उनके लिए लड्डू मंगाए और उन्होंने प्यार से लड्डू अपने हाथों से खिलाया और कहने लगे आहिस्ता से मियाँ के मल्हार में कि अब इसी लड्डू को मंगनी का लड्डू समझो। बस इसी बात पे मेरे अम्मी और अब्बू को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने 300 लड्डू उठा उठा कर उस्ताद के मुंह पर मारे और जो उन्होंने कैच किए वो घर ले गए। 4 तो इतने इजी लड्डू थे कि ड्रॉप कर दिए। रमीज राजा की याद दिला दी। चलो दूसरी गेंद ले। तुम कोई क्लासिकल कैसेट भी तो रिकॉर्ड करवा रही थी। जी हाँ, बहुत सारे राग हैं, जैसे मियाँ की तोड़ी, खोपड़ी। उस्ताद, हाँ जी, मियाँ की तोड़ी एक राग है। अच्छा, राग देसे। अच्छा, राग देस में भी गाती हो, जरा राग देस सुनाओ। ये देश हमारा है, इसे हमने सवारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने सवारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने सवारा है। बेबी, ये राग देश है, ये राग तो बट मुशिकी फौत, मुशिकी फौत, मुशिकी फौत। बीबी, मुझे बात करनी। राग बाहर आता है। जी हाँ, सुनाओ राग बाहर, सुनाओ। हाँ, बाहर लेके आई, बाहर लेके आई, मैं बाहर लेके आई, बाहर लेके आई, देखो ढेर सारा प्यार लेके आई, मैं आई 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 आई। हजरत अमीर खुसरो, आप देख रहे हो आपकी बाहर का क्या हाल हो गया। बाहर लेके आई, करार लेके आई। अपने अनवर भाई जी, उस्ताद जी के दोनों घुटने जवाब दे गए जी। ये पापी सिंगर से पूछिए। पापी नहीं, पॉप सिंगर, पॉप सिंगर। हाँ, वो मुझे मालूम है, मैं प्यार में पुकार रहा हूँ। ये ओ भाई पापी, घुटने बेचेगा अपने? चिराई, एक ही पैर है मेरे पास। ओ, वो क्यों बेचेगा, इन्हीं घुटने से तो गा रहा है। ओ भाई, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, तुम जैसी बेचैन गुलूकारा के सामने चैन की बंसरी तो बजाई नहीं जा सकती। किस बात की है? आगे जो बात आएगी उस पे है। समझदार शागिर्द है, एहतियातन कर रहा था। बांसुरी तो उस्ताद जी के अब्बा बजाया करते थे। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपको ऑपरेशन हुआ था कोई। जी हाँ, गुर्दे में कुछ पत्थर थे। गुर्दे में पत्थर कितनी जोर से फेंके गए होंगे जो गुर्दे तक चले गए। जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और पत्थर निकाल दिए, रोलिंग स्टोन्स थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद जी, आप मुझे गाना सिखा सकते हैं? उस्ताद जी की फीस बहुत है। इन्हें आता वाता कुछ नहीं, इनसे मत सीखना। इस मुल्क में शायद यही एक सच बोलने वाला रह गया है। उस्ताद जी, ये बात सुनो, इधर बात सुनो, ये उठाएं बात। क्लासिकल म्यूजिक से आप नाराज, पॉप म्यूजिक के आप दुश्मन, फिल्मी गाने उनसे आपको लिल्ला ही, कवाली आपको पसंद नहीं, फोक म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है? उस्ताद जी फोक सिंगर बनना चाहते थे। हाँ, गुजराता। हाँ,
बन नहीं सके। क्यों? इनकी अम्मा ब्रोकेट के कपड़े छोड़ के नहीं मरी। मुझे तो हर फोक से मोहब्बत है, जैसे कि सड़वे बलोरी अकवालिया, डंग डंग डंग, ऐसा दिल तेरे नाल लालिया, भम 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 भम, सड़वे बलोरी अकवालिया, डंग डंग डंग। ये फोक नहीं है बीबी, ये फोक है। नहीं, ये फोक है। नहीं, ये जो गा रही है वो फोक नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ढड ढंड ढंड ढंड, ये फोक है। अकिया उड़ीक दिया दिल बद मारदा, आजा परदेसिया वास्ते प्यार दा, आजा तेनु अकिया उड़ीक दिया, आजा तेनु अकिया उड़ीक दिया, अकिया उड़ीक दिया दिल बद मारदा, आजा परदेसिया वास्ते प्यार दा, आजा तेनु अकिया उड़ीक दिया। अल्लर साहब, ये क्या है? वो फोक था, ये थोक है। बताओ, थोक के भाव को वाली चल रही है। मुसीकी फौत, मुसीकी फौत, मुसीकी फौत। मेरे अगले मेहमान फोक सिंगर हैं। जहां तक इलाकाई मुसीकी का ताल्लुक है, मेरे वतन अजीज के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मेरे वतन का नाम ऊंचा किया है। रेशमा पठाना खान, अलन फकीर, ईसा खेलवी, आलम लोहार, और इस वक्त मेरे दरमियान एक नौजवान फोक सिंगर है, ये भी बहुत दौरे पे जाते रहते हैं बाहर। तशरीफ लाए हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। पौने तीन के आखिरी मेहमान फोक सिंगर। मैंने इस तरह किसी को तवा बजाते नहीं देखा कभी। ओ जी, ये तवा बहुत गर्म था। अम्मा रोटी पका रही थी, मुझको देर हो रही थी, इसलिए गर्मा गर्म लिया। अब सिर्फ फुकड़ी रह गई है। बताओ, इलाकाई मौसीकी को बर्ची खाने में पचा दिया। दरअसल बात ये है के जो इलाकाई मुसीकी होती है उसमें इलाकाई बर्तन इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरे जो मामा थे वो बहुत बड़े पहलवान थे, लेकिन साथ साथ बहुत बड़े फोक सिंगर भी थे। वो सिल बटा बजाकर रक्स करते हुए गाते थे, नबीना हो गए थे। वो कैसे? वो ऐसे के सिल पर मिर्चें पिसी हुई थी। तो महफिल मौसीकी के एक प्रोग्राम में सिल बटा बजाकर वो गा रहे थे, आंखों में चली गई मिर्ची, तो महफिल मौसीकी के जो जज थे उन पे सिल बटा समेत गिर गए। फिर अब जो उनका मजार है उस पे कतबे की जगह सिल लगी है और पैर पर बटा। आपसे एक सवाल है जी मेरा, बताएंगे दुनिया भर के बारे में? हाँ जी, मैंने बहुत से मुल्कों के दौरे किए हैं। अमेरिका क्या मुल्क है, फ्रांस क्या मुल्क है, तो जापान उसका तो जवाब ही नहीं है, तो कांडा, कांडा वो अमेरिका के जो बराबर में है, कनाडा, बहुत खूबसूरत है। अपना पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का तो तू खुद है, इसीलिए तो आहा नहीं की। अल्लाह सलामत रखे हमारे टेलीविजन को। हाँ वाकई, टेलीविजन ने हमारे प्रमोशन में बड़ी मदद दी है। बहुत मदद की है जी, हर हर एंगल से शूट करते हैं।
ये बताएं फोक म्यूजिक है क्या? वैसे अनवर मकसूद साहब, फोक जो म्यूजिक है, मौसीकी है, ये है जरा मुश्किल सी चीज। अल्लाह बख्शे हमारे जो उस्ताद थे, क्या नाम था उनका, फोक दीन पंछी, वो जरा गरीब जो आदमी थे तो साज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए बगले बजाते थे। तो वो ना बगले बजा बजा के फैमिली की दास्तानें सुनाया करते थे। अच्छा, और जी कैसे बगले बजाते थे? फिर वो बगले बजाते थे चपक चैं ऐसे। हाँ जी, चपक चैं ऐसे, चपक चैं। उसके अलावा जी बात ये है कि जब वो उनकी बड़ी बड़ी बगलों में जो चपक चैं करते थे तो कभी कभी उसमें चीले आ जाती थी। तो फिर वो ये करते थे कि बड़ी सी देग मंगवाते थे, उसमें पहले चीले डालते थे, फिर चौल डालते थे, उसके बाद बनाते थे चिल्लाओ। चिल्लाओ क्या? चिल्लाओ जी पुलाव की एक किस्म है। और फिर वो बनाते थे चील की सब्जी, उसको जब कोई फोक सिंगर खाता था तो फिर वो इस तरीके से गाता था, इधर तक। वाओ मैन, यू आर ग्रेट। फोक म्यूजिक की बीट कैसी लगती है आपको जी? मुझे जी फोक म्यूजिक की बीट एक्चुअली पॉप से मिलती है। एक पूछ ले चील की या कौए की। उस्ताद जी, हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये इंग्लिश बीट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर पूछो क्रो की या ईगल की। आप ये भी नहीं मानते कि पाकिस्तान टेलीविजन ने म्यूजिक को प्रमोट करने में बहुत मदद की? तबाह कर दिया म्यूजिक को। इधर म्यूजिक चैलेंज है कि कोई सुर में गाकर दिखाए। हाँ जी, उधर म्यूजिक चैनल नल में से कुछ भी नहीं आ रहा है। इधर सुर का सफर, सुर सारे सफर बेदमाना हो गए। हाँ जी, अब सुना है पीटीवी पर म्यूजिक का ऐसा प्रोग्राम आने वाला है जिसमें बड़े अफसर, जिनको हम लोग सर कहते हैं, वो सारे उस प्रोग्राम में आएंगे, गाना गाएंगे, और उस प्रोग्राम का नाम रखा है सुर सर। सुर सर, हम बात कर रहे थे फोक की। काफी फोक गानों में क्लासिकल म्यूजिक का रंग होता है। बिल्कुल होता है जी, बेशक होता है, बल्कि होता है। कोई याद है? जी हाँ, सुनवे बिलोरी अकवालिया। इसमें बलौड़ी अख जो है वो क्लासिकल है और वालिया जो है फोक है। सुन बे बलौड़ी अख वालिया, बधम बधम बधम, असा दिल तेरे नाल लालिया, तनन तनन तनन। सुन बे बलौड़ी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल लालिया, अखिया उड़ीक दिया पाकिस्तान में मुसीबी का। खुदा हाफिज़।